राजधानी जयपुर में गुरुवार को जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में यूथ 2025 इंडिया राइजिंग 2024 श्रृंखला में 11वीं अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि बालमुकुंदाचार्य और विशिष्ट अतिथि टाटा मोटर्स के पूर्व सीईओ रविकांत रहे। बालमुकुंदाचार्य ने छात्रों को व्यक्तिगत पूर्ति और भारत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अर्थ और इरादे की स्पष्ट समझ के महत्व पर जोर देते हुए एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। रविकांत ने छात्रों को नेतृत्व के मंत्र दिए और सलाह दी कि वो पीछे से नेतृत्व करें और दूसरों को ये सोचने दें कि वो आगे से नेतृत्व कर रहे हैं। ये नेतृत्व मंत्र उनकी पुस्तक लीडिंग फ्रॉम द बैक पर आधारित थी। निदेशक डॉक्टर प्रभात पंकज ने अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। लगा जयपुरिया इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में आने का प्रथम मेरा अवसर था और सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ बहुत सारे स्कूल कॉलेजों के हमारे युवा जो अब आने वाले समय में देश विदेश में कई संस्थाओं में कार्यकर्ता नौकरियाँ करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि यूथ फेस्टिवल अभी इस भारत की सबसे बड़ा भाग संख्या का यूथ है और यूथ ही इस राष्ट्र का उज्ज्वल भविष्य है। आज जिनका उत्सव था यानी ये अगली तैयारी में है इस राष्ट्र को सेवा में समर्पित, इस राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की प्रगति उन्नति के लिए, राष्ट्र के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अब यह सब तैयारी पर है। तो आज उन सब का उत्सव था, चर्चाओं का आदान प्रदान है, बहुत सारे अपने अनुभव साझा करेंगे, कुछ गुरुजन करेंगे, कुछ विद्यार्थी यहाँ के कार्य जो अध्ययन कर रहे हैं संस्थान में वे बच्चे लोग करेंगे। और साथ में मुझे सबसे अच्छा लगा कि विद्यालय में हमारे अध्यात्म को, हमारे वेद पुराण साहित्यों को, इनको भी यहाँ अध्ययन कराया जाता है, उनसे संबंधित यहाँ चर्चाएँ की जाती है और जो हमारा अध्यात्म विज्ञान है उसके माध्यम से भी बच्चों को जोड़ते हैं, यानी हमारी संस्कृति साथ चलती है, चरित्र निर्माण भी यहाँ होता है और मेडिटेशन से लेके योगा और अन्य जो आवश्यकताएं हैं शरीर मन चित्त को स्वस्थ रखने के लिए वो कार्य भी यहाँ होते हैं। तो मुझे अच्छा लगा जयपुरिया इंस्टीट्यूट में आके कि यहाँ बच्चों का सर्वांग विकास का आयोजन कार्यक्रम यहाँ निरंतर चल रहा है।